चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोबाइल से आप पैन कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपने पैन कार्ड का आवेदन अपने आधार कार्ड से किया है और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप बिल्कुल आसानी से पैन कार्ड अपने मोबाइल से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर incometax.gov.in आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं incometax.gov.in, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंस्टेंट ई पैन का, इस पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। आप देखेंगे नया पेज डाउनलोड हो रहा है। आप इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपको गेट ए न्यू पैन और चेक डाउनलोड पैन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन, आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरीके से नए पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर OTP आपको दर्ज कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ ई पैन 25 जून को अलॉटमेंट कर दिया गया था। और यहाँ पे व्यू ई पैन और डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपना ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह पैन कार्ड जो PDF डाउनलोड करेंगे यह आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वही आपका पासवर्ड होता है, जिसको आप सबसे पहले अपना डे मंथ और ईयर के इस फॉर्मेट में आपको इसको इंटर करना होता है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटर किया गया है 30 सितंबर है तो यहाँ पे 30 और 1981 है तो यहाँ पे 30091981 यहाँ पे इंटर किया गया है। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बिना स्पेस के बिना स्लैश के इसमें दर्ज करेंगे। तो चलिए हम पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सिंपली डाउनलोड ई पैन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड होने की प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पे हम डाउनलोड